रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एगट की ओर से 61वां वर्धापन दिन के शुभ अवसर पर बाइक रैली की तैयारी में जुट चुकी है। हम आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एगट के भिवंडी शहर अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ जी के कार्यालय पर एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई गई, जिसमें भिवंडी शहर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आने वाले 3 अक्टूबर के दिन भिवंडी से बालकुम हाईलाइट मैदान तक एक बाइक रैली निकाली जा रही है। उस बाइक रैली में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को उपस्थित रहने का आगाह करते हुए भिवंडी शहर आरबीआई के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ जी ने सभी को संबोधित करते हुए नजर आप देख सकते हैं कि उनके कार्यालय पर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। ऐसे में बता दें कि इस बैठक में भिवंडी शहर अध्यक्ष जो कि आरबीआई के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ जी, आरबीआई के वरिष्ठ नेता विवेक गायकवाड़, लक्ष्मण रूपाले, मिंटिया पाइकराव, सोपन मस्के, रमेश इलगेट्टी, ताबुद्दीन शेख, बाबा लांडगे, बेबी नंदा गायकवाड़, सविता सुरवे, सुनील वाघमारे सहित आरबीआई के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित थे। वहीं पर हमारे चैनल के संवाददाता ने महेंद्र गायकवाड़ जी से एक सवाल किया कि रैलियों में जो युवा पीढ़ी रहते हैं वो टिबल सीट जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में इसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? तो महेंद्र गायकवाड़ जी ने हमारे चैनल के संवाददाता को जवाब देते हुए कहा कि हम कायदे का पालन करेंगे और कायदे का उल्लंघन नहीं करेंगे। 3 अक्टूबर को थाना में जो बालकुम है हाईलैंड मैदान पर वहाँ पे आरपीआई का अपना वर्धापन दिन स्थापना किया गया है। माननीय रामदास जी आठले साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, उन्हें आदेश दिया कि अपना वर्धापन दिन साझरा करने का है, तो इसलिए बोले भिवंडी के लोग, भिवंडी जिला और महाराष्ट्र के लोग को तो इतला किया गया है, इसलिए मीटिंग लगाई गई है। मैंने पहले बताया है कि भिवंडी से 2000 लोग जाएंगे, 1000 बाइक जाएगी। गैप नहीं है, हर साल हर ज़िले में होता है। एक बार दिल्ली में हुआ था, वहाँ गए थे हम लोग, पुणे में हुआ था वहाँ गए हम लोग, शिरडी में हुआ था वहाँ गए हम लोग, नासिक हुआ था वहाँ गए थे हम लोग, दिल्ली में हुआ था वहाँ गए थे हम लोग, बॉम्बे में हुआ था वहाँ गए थे हम लोग, अभी थाना जिला में है। भिवंडी शहर के लिए हम 200 बाइक का मांग करेंगे, पुलिस के परमिशन लेंगे हम, और उसकी ज़रूरत नहीं है, उनके मानवता के लिए बोलेंगे हम 200 बाइक का हमारे यहाँ रैली है, और घूम के हमारा धामंगल नाका होके गौरीपाड़ा शिवाजी महाराज का चौक है वहाँ पे शिवाजी महाराज को हार डाल के वहाँ पे अपना वंजपट नाका सीधा उड़ानपुर से हम लोग बाईपास से निकल जाएंगे हरण मैदान बालकुम। ऐसे में हमारे चैनल से अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह काम करना चाहिए? मैं पूरे भिवंडी के अपने आरपीआई कार्यकर्ता जो है, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तेलुगु समाज के हो, जो आगरी हमारे बांधव है, जितना आरपीआई को चाहते हैं वो सब आरपीआई के रैली में 3 अक्टूबर को आरपीआई ऑफिस बीएन कॉलेज यहाँ पे बाइक लेके मौजूद रहेंगे, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। सर देखा जाए कहीं ना कहीं बाइक रैली में जो रहती है टिबल सीट का है, देखा जाए कानून की उल्लंघन भी करते हैं? नहीं, मैं सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया हूँ कि डबल सीट चलेंगे, टिबल चलने का ही नहीं है, ऐसा आह्वान किया हूँ मैं। टिबल चलेगा वो कानून का उल्लंघन होगा और खुद को तकलीफ होगी, अपने रास्ते में एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, खुद को जोखिम होगा, उसके लिए कार्यकर्ता को सब बताया हमने कि डबल के अलावा कोई टिबल आएगा नहीं है। जिला अध्यक्ष महेंद्र जी गायकवाड़ भी उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए इस रैली का पूरा नियोजन किया हुआ है, और इसके बारे में इसके पहले आपको जानकारी मिली है कि ये बाइक रैली बड़ी उत्साह से लेकिन फिर भी कानून और सभी अनुशासन का पालन करते हुए ये बाइक रैली और यहाँ की जो पूरे लोग, जो कार्यकर्ता लोग जो जाने वाले हैं या इस सम्मेलन में, तो ये पूरी अच्छी ढंग से यह मनाया जाएगा, यह 3 अक्टूबर का वर्धापन दिन आरपीआई का। इसके बारे में यही जानकारी है कि माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले इनके नेतृत्व में एयर बाबा साहब के संकल्पना में जो रिपब्लिकन पार्टी थी, वो रिपब्लिकन पार्टी की जो संकल्पना बाबा साहब ने अपने सामने रखी थी इस देश के सामने, तो उन्होंने उस समय पूरे देश के पुरोगामी लोगों को आह्वान किया था, पत्र लिखा था, वो खुला पत्र के नाम से, वो खुला पत्र के रूप में वह बाबा साहब का पत्र मौजूद है, तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने का उद्देश्य वहाँ रखा था सबके सामने, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब का देहावसान जल्दी हो गया, उनका महापरिनिर्वाण उसके पहले ही हो गया, लेकिन उसके बाद में बाबा साहब की संकल्पना का यह रिपब्लिकन पक्ष जो स्थापन हुआ 3 अक्टूबर 1957 मतलब 61 साल पहले,
तो यह 61वां वर्धापन दिन है रिपब्लिकन पार्टी का, और माननीय रामदास जी आठवले इनकी नेतृत्व में ही ये रिपब्लिकन पार्टी का वर्धापन दिन पूरे देश में मनाया जाता है। तो उसी तरह से अभी जिला अध्यक्ष ने जो बताया हर साल ये मनाया जाता है, तो ये इसीलिए ये 61वां वर्धापन दिन अब थाना में मनाया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ के कार्यकर्ता सब वहाँ अनुशासन का पालन करते हुए वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसकी इसमें कोई दो राय नहीं। ये 3 अक्टूबर को जो रैली निकल रहा है तो ये रैली के युवा वर्गों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी महेंद्र गायकवाड़ जी जिला अध्यक्ष उन्होंने बताया है कि जो डबल सीट यानी 3 आदमी एक गाड़ी के ऊपर नहीं जाने का है, क्यों तो अपना खुद का पालन भी अपन कर सकते हैं कि वो एक्सीडेंट के बारे में अपन बच सकते हैं। और अभी गायकवाड़ सर ने सविस्तर में खुले पत्र का आधार के ऊपर से जो बताया गया है, और ये आदेश रामदास जी आठवले इन्हों का है, तो ये आदेश का पालन करते हुए अपने रैली में कुछ किधर भी नुकसान न होते हुए, किसी को गाड़ी का भी नुकसान न होते हुए, बच्चों को भी नुकसान न होते हुए सही ढंग से रैली निकाल के संग ढंग से रिटर्न होना चाहे, इतना मैं युवा वर्ग को कहना चाहता हूँ। महिलाओं का किस तरह का प्रतिसाद रहेगा, क्या उनका समर्थन रहेगा? बाइक रैली में महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिसाद रहेगा उसमें, और हर साल जो माननीय रामदास जी आठवले साहब वर्धापन दिन करते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, तो इस बार हमारे हिसाब से बहुत नज़दीक हो रहा है, थाना कोई दूर नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग महिला निकलने वाले हैं और महिला का ज़्यादा सहयोग होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।